मैं ज्योति अंबेडकर और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर का 130वां जन्मोत्सव समारोह दिनांक 13-14 अप्रैल 2021 नाना राव पार्क कानपुर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में धम्म की पताका हेतु पूज्य बंदे दीपांकर जी एवं बीपी थिरो ज्योति राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय महासंघ की विशेष उपस्थिति व उनके वक्तव्य से हजारों उपासक ने धम्म लाभ उठाया। कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रपाल डॉक्टर बीपी अशोक आदित्य भानु बाबूलाल अहिर राव बी आर अहिर राव आर बी कमल नीरज कुमार सिंह डॉक्टर महेंद्र सिंह अनिल कुमार बसंत लाल एस आर बोध ओ पी गौतम आदि की उपस्थिति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। यह खास खबर देख रहे हैं आप समता आवाज टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अनु अंसारी के माध्यम से। समुद्र को तीन बार वंदन करते हुए साथ ही आज ऐसे महामानव कि जिनके नाम पर आज पूरा भारत तथा पूरा विश्व जो बाबा साहब अंबेडकर को अपना भगवान स्वरूप मानते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को सच्चे दिल से मानते हैं, आज का इतना प्यारा दिन है, इतना खुशियों वाला दिन है कि आज हर व्यक्ति बाबा साहब के नाम पर झूमकर खुशी का इजहार कर रहा है। ऐसे भारतीय संविधान निर्माता बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं पावन जयंती के उपलक्ष्य में समस्त कानपुर वासियों तथा कानपुर वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना मंगल कामना। साथ ही आज बड़ा हौसला बुलंद करते हुए साहस दिखाते हुए मैं स्टैंप फूलबाग पे बाबा अंबेडकर का उत्सव मनाने के लिए बहुत सारा हुजूम रहता है यहाँ पे, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ जहाँ पे दिल्ली से आए हुए एक बंता जी हैं और सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहते हैं और मैं अनु अंसारी कानपुरी ब्यूरो चीफ समता आवाज चैनल से हूँ। बंता जी, आप जनता में क्या संदेश देंगे? आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में मेरा यही कहना है कि सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर को दिल से मानने की आवश्यकता है। और आज जो पूरे देश में माहौल चल रहा है, आज वर्तमान के हालात को देखते हुए आज SC ST OBC बैकवर्ड माइनॉरिटी को एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक हो अभी भी नहीं हुए तो आने वाले समय में जो समय आएगा वो इतना खतरनाक आएगा कि व्यक्ति चैन की सांस नहीं ले सकता। साथ ही 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय भी याद कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को ये जानकारी हो चुकी है कि अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा अगर सुनिश्चित है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर के बनाया गया संविधान की है। अगर संविधान नहीं होता तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय या फिर कोई भी समुदाय आज यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। और आज जैसे जो सरकारें हैं आए दिन कहीं ना कहीं SC ST OBC बैकवर्ड माइनॉरिटी को परेशान करने का काम जो किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं संविधान से भटकाने की साजिश रची जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि आज आवश्यकता है पूरे देश को एक होने की और 14 अप्रैल को हम सबको दृढ़ निश्चय लेना चाहिए, एक हमको ये फैसला लेना चाहिए कि आज भी पूरा देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और इससे निपटारा करने के लिए हम सबको एक मंच पर आने की आवश्यकता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बाबा जी साहब ने बोला, बंते जी ने। मैं अंसारी समाज की तरफ से अनु अंसारी कानपुरी बाबा साहब के जितने चाहने वाले हैं मूल निवासी उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अंसारी परिवार की तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्पना नगर सिबलपुर गाजियाबाद ने बड़ी धूमधाम से मनाया बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिवस। जय भीम दोस्तों, मैं ज्योति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं समता आवाज की। दिनांक 14 अप्रैल दिन बुधवार को
युग पुरुष विश्व रत्न राष्ट्र निर्माता संविधान के निर्माता संपूर्ण नारी के मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्म दिवस के महापर्व पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल्पना नगर सिब्बनपुरा गाजियाबाद में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के महापर्व पर प्रभात फेरी एवं केक काटकर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति के समस्त पदाधिकारी परमेश्वर गौतम राजेश्वर दयाल डॉक्टर दिनेश कुमार लवली भाई ओम प्रकाश एडवोकेट राजेश्वर दया किशन तिलकराज मनीषा रवि राहुल रोहन समस्त कल्पना नगर सिब्बनपुरा गाजियाबाद उपस्थित रहे। सूरज चांद रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा। एक दो तीन चंद, एक दो तीन चंद, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, शैतान दिलाया, शैतान दिलाया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।